साथियों, पिछले वीडियो के अंदर अपने किया था ठोस आकृतियों का वर्गीकरण और इस वीडियो के अंदर यानी इस क्लास के अंदर अपने करने जा रहे हैं पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन। पूर्ण वर्ग अलग चीज है और पूर्ण घन अलग चीज है। पूर्ण घन और घनमूल इनका अपने वर्गीकरण करेंगे। पूर्ण वर्ग कैसे निकाला जाता है पहले अपने इसकी बात करते हैं। पूर्ण वर्ग के अंदर अभाज्य गुणनखंड करेंगे और जो जोड़े बनेंगे वो कितने कितने के बनाएंगे, दो दो के जोड़े बनाएंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद दो दो संख्याओं के जोड़े बनाएंगे और उसके बाद अपने बात करते हैं पूर्ण घन। पूर्ण घन के अंदर क्या होगा, अपने तीन तीन के जोड़े बनाएंगे। पूर्ण वर्ग के अंदर तो दो दो के जोड़े बनेंगे और पूर्ण घन के अंदर तीन तीन के जोड़े बनेंगे। अब अपने जैसे मान लेते हैं एक संख्या ले लेते हैं उदाहरण के तौर पे, जैसे 512 है तो 512 इसके अपने टुकड़े करने यानी अभाज्य गुणनखंड करना है। सबसे पहले अपने विभाजित करने वाली जो वीडियो बनी थी यानी जो क्लास लगी थी जिसमें अपने दो का विभाजन, तीन का विभाजन, चार का विभाजन, वो सबसे पहले अपने याद होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने बात करेंगे सबसे पहले। अगर वो याद है तो अभाज्य गुणनखंड करना अपना बहुत आसान हो जाएगा। अब उसके अंदर मैंने बताया था दो का सूत्र, अब अपने देखना है कि इसमें दो का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। इसमें दो का भाग जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, दो है। और दो का सूत्र क्या था, जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 और 8 होगा उसी में दो का भाग जाएगा। अब इस संख्या में दो का भाग चला जाएगा, इसमें अपने दो का भाग देंगे तो हमारी संख्या क्या आएगी, 4 एक बचेगा या 11 हो जाएंगे, 5 फिर एक बचेगा कितने हो जाएंगे, 12 में दो का भाग जाता तो कितना आ जाएगा, 6। फिर वापिस अपने दो का भाग देंगे तो 1, 2, 8 फिर वापिस अपने दो का भाग चला जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है, 8 है तो कितना आ जाएगा, 64। फिर दो का भाग चला जाएगा कितना आ जाएगा, 32। और फिर दो का भाग 16 में दो का भाग चला जाएगा 8 में दो का भाग चला जाएगा 4 8 में दो का भाग चला जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 8 आया था, 8 में दो का भाग देते हैं तो 4 में दो का भाग देते हैं तो 2 और 2 में दो का भाग देते हैं तो 1। अब अपने पास संख्या क्या बनी, 2 × 2 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अपने दो दो के जोड़े यानी दो वाली जो विभाजित, जब इसको अपने भाग दिया या विभाजित किया तो हमारी संख्या ये बन गई यानी जोड़े जो साइड में अपने भाग दिया था जिन संख्याओं का। अब अपने क्या करेंगे, दो दो के जोड़े बनाएंगे। दो दो के जोड़े बनाने के बाद अगर जोड़े पूरे बने, अब अपने चार जोड़े बन रहे हैं लेकिन अपने पास क्या बच रहा है, 1, 2 शेष बच रहा है यानी इस दो का कोई जोड़ा नहीं बन रहा। तो हमारे पास ये जो 512 है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर अपने दो दो के जोड़े बनाने थे लेकिन दो दो के जोड़े बन नहीं रहे इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब अपने इसी की बात करें, इसी संख्या को अपने क्या करना है, पूर्ण घन बनाना है। तो पूर्ण घन के अंदर अपने क्या करना है, तीन तीन के जोड़े बनाने, कितने बनाने जोड़े, तीन तीन। अब अपने तीन तीन के जोड़े बनाने हैं तो क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड करना ही है और जो संख्या विभाजित की थी वो आ जाएगी और तीन तीन के जोड़े देखते हैं। तो तीन का जोड़ा एक बन गया, 2 और 3 यानी तीन जोड़े पूरे बन रहे अपने। अगर सीधा सा प्रश्न पूछता है वो कि 512 पूर्ण घन संख्या है या नहीं, फिर तो अपने क्या करेंगे, तीन तीन के जोड़े बना के सीधा सा बता देंगे कि हाँ अगर जोड़े पूरे बन रहे हैं तो पूर्ण घन होगा, अगर तीन तीन के जोड़े नहीं बन रहे तो पूर्ण घन नहीं होगा। उसके बाद अपने बात करते हैं, जैसे एक संख्या अपने कोई और ले लेते हैं,
जैसे अपने उदाहरण देते हैं 1000, इसके अपने क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग चला जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है, 0 है, तो कितना आ जाएगा 500। फिर 2 का भाग चला जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है तो 250। फिर 2 का भाग चला जाएगा कितना आएगा, 125। फिर 2 का भाग चला जाएगा तो कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे 2 का नहीं आएगा, 5 का जाएगा, कितना आ जाएगा 25। और फिर 5 का भाग चला जाएगा 5, फिर 5 का भाग जा रहा है 1। अब देखो इसमें 3-3 के जोड़े बन रहे हैं, 3-3 के जोड़े बन रहे हैं, इसका मतलब ये जो हजार संख्या है यानी 1000, ये क्या है, पूर्ण घन संख्या है, ये क्या होगी, पूर्ण घन संख्या होगी। और अपने अगर बात करें इसका पूर्ण वर्ग, तो अपने पास संख्या बन रही है 2 × 2 × 2, 5 × 5 × 5। अब देखें इसमें पूर्ण वर्ग के अंदर 2-2 के जोड़े बनाने होते हैं, तो एक जोड़ा बन गया और एक जोड़ा यहाँ पे बन गया। अब 2 का और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा, 2 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूर्ण वर्ग संख्या भी नहीं है। अगर अपने इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दें तो 5 × 2 = 10, यानी इस संख्या के अंदर अगर अपने 10 का गुणा कर दें, क्या कर दें, गुणा कर दें, यानी 1000 के अंदर अपने 10 का गुणा कर दें। 10 का गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस 2 का जोड़ा नहीं बना था और 5 का जोड़ा भी नहीं बना था, दोनों संख्याएं ले ली, दोनों का गुणा किया, 10 आया, 10 का इस 1000 के अंदर गुणा करते हैं तो ये जो हजार संख्या है ये क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी 10 से गुणा करने के बाद। उसके बाद अब अपने आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन आता है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाए, यानी ऐसी कोई भी संख्या दे देता है और उसके अंदर अपने पास पूछ लेता है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिससे अगर अपने गुणा करते हैं तो वो क्या प्राप्त होना चाहिए, अपने पूर्ण घन प्राप्त होना चाहिए। अब जैसे अपने मान लेते हैं एक संख्या ले लेते हैं 10584, पहले तो अपने इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अपने उसके जोड़े बनाएंगे और जो जोड़े शेष बचेंगे उसी के आधार पर अपने पता करेंगे कि वो सबसे छोटी संख्या कौन सी बन रही है। तो इस संख्या में 2 का भाग जा रहा है क्योंकि लास्ट में क्या है, 4, तो 5 × 10, 2 × 4 1 बचेगा या 18 हो जाएंगे, 9 × 18, फिर 2 का भाग चला जाएगा यानी 2 × 4, इस संख्या में अब 2 का भाग चला जाएगा तो 2 × 4 1 बचेगा, 12 हो जाएंगे, 6 × 12, फिर 2 का भाग जाएगा 4, फिर 6 का भाग जाएगा क्योंकि एक इधर आ जाएगा तो 12 हो जाएगा, 2 का भाग इस संख्या में चला जाएगा, 2 × 2, 2 × 3 = 6, 2 × 4, 2 × 3 = 6। अब देखते हैं अपने इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा क्योंकि इसके अंत में क्या आ गया, 3 आ गया। अब अपने 3 का जो सूत्र था वो था 3, सभी अंकों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा उसमें अगर 3 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। तो क्या अपने इसमें 3 का भाग जा रहा है ये देखेंगे, तो 3 और 2 = 5, 5 और 3 = 8, 8 और 1 = 9, 9 में 3 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, तो 3 × 12 1 बचेगा, यहाँ भी 12 हो जाएंगे, 3 × 12 और 3 × 3। अब वापिस वही तरीका योग करेंगे, 4 4 और 8, 8 और 1 9, 9 में 3 का भाग जा रहा है तो मतलब
इस संख्या में भी तीन का भाग जाएगा। तो तीन एकम तीन, दो बचेंगे, सॉरी एक बचेगा, 14 हो जाएंगे। तो चार तीय 12, फिर दो बचेंगे 21, सात तीय 21। अब इसमें किसका भाग जा रहा है, 7 और 4 11, 11 और 1 12, इसमें भी तीन का भाग जा रहा है। तो तीन चौके 12, दो बचेंगे 27, नौ तीय 27, फिर इसमें तीन का भाग नहीं जाए। अपने पता है 7 7 49 होती है, यानी 7 को 7 से करते हैं तो कितना आता है, 49 आता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7, फिर 7 में 7 का भाग चला जाएगा। अब देखो अपने पास संख्या क्या बन रही है, 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 3 और 7 × 7। जब अपने पूर्ण घन बनाते हैं तो अपने पास जोड़े बनने चाहिए तीन तीन संख्याओं के। तो दो के जोड़े बन रहे हैं, यहां भी तीन का जोड़ा बन रहा है, लेकिन दो का जोड़ा नहीं बन रहा। दो का जोड़ा नहीं बन रहा, अपने पास 7 कितनी बार आया, 2 बार आया, कम कितनी बार रह गया, 3 से 1 बार कम रह गया। यानी जोड़ा पूरा करेंगे तो अपने 7 कितनी बार चाहिए, 1 बार चाहिए। अब इस 7 का अपने गुणा करते हैं, यानी इस संख्या में 10584 के अंदर, 10584 में अगर अपने 7 का गुणा कर दें, 7 का गुणा कर दें, तो ये जो संख्या होगी ये क्या बन जाएगी, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। अगर अपने इन दोनों का गुणा करके जो भाग देते हैं, ये भाग विधि मैं आगे बताऊंगा, अभी देखिए भाग विधि कौन सी है। भाग विधि के अंदर क्या करना है, अपने एक प्रश्न है, जैसे अपने भाग विधि का किया था, अब बताता हूं मैं भाग विधि। वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसका भाग देने पर, भाग देने पर पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो, पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। अब जैसे अपने उदाहरण पे ले लेते हैं, कोई भी संख्या जैसे मान लेते हैं 135 है, 135 है, 135 को अपने क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 2 का भाग तो इसमें नहीं जा रहा, क्योंकि लास्ट में क्या है, 5 है। अब अपने देखते हैं कि इसमें 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो 5 और 3 8, 8 और 1 9, 3 का भाग चला जाएगा। तो 3 चौके 12, 1 बचेगा, यहाँ पे 15 हो जाएंगे। तो 3 5 15, फिर 3 का भाग चला जाएगा, 3 एकम 3, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 5 दिए 15, फिर कितने का भाग जा रहा है, 3 का। तो 5 दिए 15, 5 में 5 का भाग चला जाएगा। अब देखें अपने पास तीन के जोड़े बन रहे हैं, क्योंकि तीन तीन बार आ गया और पांच का जोड़ा नहीं बन रहा। तो अपने इस संख्या के अंदर, यानी 135 के अंदर अपने क्या करेंगे, पांच का अगर भाग देते हैं, पांच का अगर भाग दे दें, तो 135 से जो प्राप्त संख्या होगी, 135 में भाग देने के बाद जो प्राप्त संख्या होगी वो हमारी क्या होगी, पूर्ण घन संख्या होगी। धन्यवाद।